हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेगा सीवी 625 टैबलेट के बारे में। आप देख पा रहे हो वीडियो पे, मेरे हाथ में है मेगा सीवी 625। तो चलिए इसके बारे में सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं, कौन सी कंपनी बनाती है, इसका सॉल्ट क्या है, इसके यूजेज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। प्रेगनेंसी में चलेगी या नहीं चलेगी इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कौन सी कंपनी बनाती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है एरिस्टो का। एरिस्टो कंपनी बनाती है इस टैबलेट को। उसके बाद इसमें जो सॉल्ट हो मिला हुआ होता है, जो दवा मिली हुई होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये एमोक्सिसिलिन, आप देख पा रहे हो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट का ये मिला हुआ दवा ही है। इसमें एमोक्सिसिलिन जो है वो 500 होता है और पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है वो 125 mg होता है। आप जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। इसके यूज़ ख़ास तौर पे ENT में यूज़ होता है। ENT कहा जाए तो ई से ईयर, एन से नोज़, एन टी से थ्रॉट, यानी कि नाक, कान और गला, इन तीनों में ये काफ़ी ज़्यादा असरदार है। इसके अलावा अगर बारीकी से देखें तो ये ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान में जो इन्फेक्शन होगा वो तो काफ़ी बढ़िया दवा है उसके बारे में, उसके लिए। इसके बाद ये निमोनिया में भी ये चल सकता है, जो टॉन्सिल्स बढ़े होते हैं, टॉन्सिल्स में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी इनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन, अगर यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब के रास्ते में अगर किसी तरह की परेशानी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर ये वहाँ भी चल सकता है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस में भी, यानी कि ब्रोंकाइटिस बोले तो फेफड़ा में भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये आराम से चल सकता है। इसके बाद गले में जो प्रॉब्लम है वो तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्किन में, स्किन पूरे शरीर की स्किन में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो फिर उसमें ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। स्किन में ये काफ़ी ज़्यादा काम, बढ़िया काम करता है। उसके बाद वेजिनोसिस जो होता है, वेजिनोसिस यानी कि वेजिना, जो महिलाओं की प्राइवेट पार्ट होती है वेजिना, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा असरदार रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद ब्लड में भी जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी ये काम करता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट तो वैसे नॉर्मली देखा नहीं गया है, तो ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक खाने पर दस्त या फिर एलर्जिक रिएक्शन, इस तरह की साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, पर ये बहुत रेयर होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में। इसके डोज़ यानी कि इसको कैसे लेना है, तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी है। इस तरह से चलता है कम से कम 2 हफ्ते तक, यानी कि 14 दिन तक। इस तरह की दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती है, एंटीबायोटिक होती है तो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, 14 दिनों तक चलेगी, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेगनेंसी में, ये प्रेगनेंसी में चलेगी या नहीं चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि ये दवा लैक्टेशन मदर को चलेगी या नहीं चलेगी, यानी कि जो माँ दूध पिलाती है उनको ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बता दूँ कि ये दवा उनके लिए भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है आसानी से। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, इसकी प्राइस कितनी होती है। तो ये मेरे पास जो स्ट्रेप है ये 4 टैबलेट की है, और 4 टैबलेट में इसकी कीमत है 80 रुपये 36 पैसे, देख सकते हो 80 रुपये 36 पैसे हैं, यानी कि एक गोली का पड़ जाएगा आपका 20 रुपया। तो मार्केट में आप ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया दवाई है, काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।